शार्क्स ये हमारा सबसे पुराना, सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद साथी। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के साथ जंग में गया, भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो इस साइकिल से वो मुमकिन हो पाया। मिल्क रेवोल्यूशन आया तो घर घर में दूध इस साइकिल से पहुंचा। ये साइकिल अभी भी 58% लोगों की डेली कम्यूट का पार्ट है। बदलते समय के साथ ये धीमा पड़ता गया। एक इस जमाने में जहां 2G से हम 5G पे आ गए, खाना पहले 30 मिनट फिर 20, अब 10, अब शायद 2-3 मिनट में भी घर पहुंच जाया करें, उसमें इसमें एक नई जान फूके, इसको अपग्रेड करें और एक स्पीड का एक रेवोल्यूशन लाएं। उस रेवोल्यूशन के लिए ये मेरी एक इन्वेंशन है, इसका नाम है DVEC, यानी कि ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। मेरा नाम गुरसौरभ सिंह है, मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। अरे वाह। मैं इसका इन्वेंटर हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका पापा हूँ और अपनी कंपनी DVEC का मैं फाउंडर भी हूँ। मेरा विजन है कि ये DVEC घर घर पहुंचे, 8 करोड़ लोग जो मेरे कस्टमर्स जिनको मैं समझता हूँ उन तक पहुंचे और एक रफ्तार का रेवोल्यूशन आए। शार्क्स, आज मेरी आस्क आपसे ये है, इस रेवोल्यूशन के लिए मेरे को आपके 100 hours ऑफ टाइम फॉर 0.5% इक्विटी। माय गॉड, नो मनी एंड 100 hours अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज द प्लान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरसौरभ है। गुरसौरभ, मैंने आपको लिंक्डइन पे मैसेज किया था, आपको याद है? दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम हियर। आई एम सॉरी आपसे भी, अनुपम जी से एंड अमन भाई से भी, के आई कुड नॉट गेट बैक। मतलब मैंने तो नहीं लिखा। आपने लिखा था सर। मैंने क्या लिखा आपको? यू डिड। ओ याद आ गया। हो रहा है हमारा कमेंट। क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? आपने लिखा था व्हाट अ सुपर इनिशिएटिव, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू रीच आउट। इसके नीचे मैं नहीं कमेंट कर पाया, बाकी लोगों ने। तो आपने क्यों नहीं किया? हुआ कैसा था कि इसी साल 2020 फरवरी में ये मैंने वीडियो बनाया था। 8 फरवरी को मैंने अपलोड किया था, 9 फरवरी को आई वोक अप विद 800 मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, 70 मिस्ड कॉल्स। इतना जो इन्फ्लुएंस आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऑफर्स आ रहे हैं, कोई मतलब 1 करोड़ यूनिट्स की भी बात हो रही है। आई यू नो इट्स इन्फ्लुएंस, मैं नहीं चाहता कि डिविएट हो दिमाग, और तो मैंने एक ब्रेक ले लिया, मैं वापस हिसार गया, वापस इसमें लगा। जून 2020 जब मैं वापस दिल्ली आया, तब जब आके मैंने देखा कि ये सब हो गया है, आई फेल्ट बैड, करना चाहिए था। बट वो वीडियो दिखा देंगे लोगों को। जी बिल्कुल। इसकी पहली जो USP है वो है इसकी बोल्ट ऑन कैपेबिलिटी रेट्रोफिट में। एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली साइकिल में अपग्रेड कर देता है। ये एक ऐप से आपके फोन के साथ वाईफाई ब्लूटूथ के साथ जोड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि ये साइकिल कहां पर है, GPS ट्रैकिंग एंड सो ऑन। इसमें जो ब्रेक थ्रू है दैट इज इट्स पेडल चार्जिंग कैपेबिलिटी। पेडल मारने से इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो इससे रेंज बढ़ जाती है क्या? हमने पेडल किया तो ये 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जी इज एंडलेस, यू कैन कीप पेडलिंग, कीप चार्जिंग एंड कीप राइडिंग इट फॉरएवर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पे पानी का, बिजली का, डस्ट का, कीचड़ का कोई असर नहीं होता। इस पे आग का भी कोई असर नहीं होता, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे भाई संभाल के यार। Are you ready? I was born ready. से बनी है, अंदर
अगर इसके अंदर कुछ भी मैल फंक्शन होता है, हमारा राइडर सेफ रहता है, साइकिल सेफ रहती है। चलिए आपका स्वागत तो कर देते हैं गुर सौरभ सिंह जी, आपका शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए, आपने जो आस्क की है जी, ये 100 घंटे का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला और क्यों, आपको क्यों लगता है कि 100 घंटे में काम हो जाएगा? ऐसा है सर, मेरी जो एक्सपर्टीज है बीइंग इन मैन्युफैक्चरिंग R&D प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, दैट इज वन। सेकंड, कॉस्ट जितनी मैं कर सकता हूँ नीचे, मैं एक पॉइंट पे इसको ले आया हूँ। अब इसको नीचे नहीं ले जाया जा सकता, आप भले ही चाइना भेजिए, जापान, जो भी करिए। इसका जो अगला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगर हमने वही घिसे पिटे मॉडल पे चलना है कि एक इम्पोर्टर होगा, वो सामान मंगाएगा, फिर एक डीलर होगा, फिर एक सब डीलर होगा, देन वो सबकी लेयर जुड़ती जाएगी और हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां सारी ईवी इंडस्ट्री खड़ी है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, सारी ईवी इंडस्ट्री अंधी और बहरी है। लेकिन सुनना ही नहीं चाहते, वन सेक सर, देखो सुनना ही नहीं चाहते कि एक आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं क्या। आज की डेट में मेरे इस साइकिल के इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, वांट टू गेस दैट प्राइस? I have no idea. 40,000, 45,000, 48,000. तो आपकी किट की कितनी कॉस्ट पड़ती है? अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस मॉडल की 9,000. अच्छा जी। इसकी मोटर 45% ज्यादा एफिशिएंट है इस टाइम पे कोई भी मोटर जो मार्केट में, इंक्लूडिंग बॉश। अगर मोटर आप खुद बना रहे हैं और मोटर आपकी बॉश से 50% ज्यादा efficient, 45, 50, whatever, तो आप सिर्फ मोटर नहीं बेच सकते हैं, उसमें फायदा नहीं हो सकता है? बेच सकते। Again, just wondering. One second, hold on. Let's not digress into. भाई, आप दूसरे किसी और को भी बात करने दीजिए ना। आप यहाँ आए हो पिच करने, तो सवाल हम पूछेंगे। आप बोल रहे थे कि ईवी वाले किसी की सुनते नहीं है, आप सुनते हो ना? आप कहाँ सुन रहे हो भाई? Okay, please. थोड़ा सब्र है यार। Okay. शायद हमको समझ नहीं आ रही। Absolutely. तो माफ कर देना भाई। अरे प्लीज सुन तो लो। If you made a very efficient motor, उसकी तो एक ही supply chain बनेगी। जी। उसकी efficient business और नहीं बन सकती है cycle बेचने के बजाय। तो उसके बारे में सोचा आपने कभी? I can go, मतलब उस direction में जाया जा सकता है जहां profits बहुत high है। हाँ जी। Again, शुरू के point पे, वो मेरा vision अभी फिलहाल कुछ time के लिए नहीं है, एक impact पहला vision है। तो आपको लगता है कि 100 घंटे किसी right. शार्क का टाइम लेके, बिल्कुल, उनके तजुर्बे के right. जरिए शायद ये बातें सीख पाए? Absolutely. और इसीलिए आपने 0.5% ऑफर किया है इक्विटी। फिर भी एक नंबर तो होगा आपके ध्यान में कि हमारे टाइम का भी वैल्यू है। Absolutely. तो कोई फाइनेंशियल आंकड़ा नहीं बैठा दिमाग में कि इतना वैल्यूएशन हो जाता है? सर, वैल्यूएशन ऐसा है कि इतनी नेसेंट स्टेज पे जब कोई हो, वैल्यूएशन उसकी नहीं कर सकती। आई डोंट एग्री। इससे पहले क्या करते थे आप? मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में था। मेरी प्राइम एक्सपर्टीज है मोल्ड एंड डाई मेकिंग में। एल्यूमिनियम शीट मेटल इज माय एक्सपर्टीज। तो मैं इसमें लगभग 16 साल मुझे हो गए। मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सर, मेरे पास इनफैक्ट इंजीनियरिंग की भी डिग्री नहीं है। मैंने अपनी डिग्री लिटरेचर में की थी। ये मेरा पैशन था शुरू में, मोटरसाइकिल से शुरू हुआ, फिर वो मोटरसाइकिल के ट्रेडिंग में शुरू हो गया, फिर ट्रेडिंग से पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से डाई मेकिंग। 5 साल पहले ये स्विच मैंने किया इलेक्ट्रिक में। मतलब मेरा एक सिंपल सा मानना था कि अगर कोई पैदल है तो 5-6 किलोमीटर में, कोई नॉर्मल साइकिल पे है तो वो 10 किलोमीटर में, आप उसी का दायरा 50 कर देंगे, उसे सब मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी, बैंक मिल जाएगा, लाइफ मिल जाएगी, रिक्रिएशन, एवरीथिंग। सो मैंने वो सोचा और मैं इसमें आके लग गया। पाजी एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन था इसमें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? मोस्टली जब इस प्रोजेक्ट में लगा तो शुरू में सेविंग्स सारी उड़ा दी, फिर कुछ एसेट्स उड़ा दिए, फिर पेरेंट्स आ गए, फिर मेरी सिस्टर आ गई, लोन लिए मैंने ग्रामीण बैंक से। कितने पैसे लगा दिए आप इस पे? 68 लाख सर मेरा खर्च हुआ। तो अभी जो वहाँ पर वो लगा है वो एक्चुअल वर्किंग मॉडल है, तो उसको उठा के देख सकते हैं कितना वजन है? या श्योर, चलाकर भी देखिए अनुपम। अभी क्या करना है इसको? बस आप एक्सेलरेट दीजिए, बाइक की तरह जस्ट एक्सेलरेट। आवाज तो है, इट इज नॉट एज स्मूथ एज गियरहेड। सौरभ जी, इतनी आवाज क्यों आ रही है? आवाज क्यों आ रही है? इतनी आवाज रहेगी मैम इसमें? चलो समझते हैं इसको, बैठ के। चलिए, अभी जब ये 9,000 रुपए का आप बना रहे हैं,
आपको लग रहा है अभी भी कि इम्पैक्ट ला पाएगा? बिल्कुल लाएगी सर. जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करी मुंजाल जी हैं हीरो से. उन्होंने लिखा अगर तुमने 15,000 में कर दिया तो तुम खाली इंडिया में नहीं ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकते हो. साइकिल के बहुत जो टाइप्स के मॉडल्स होते हैं लाइक हाइब्रिड होता है माउंटेड, तो उनमें ये एंगल सेम नहीं होता है ना सब बाइक्स में, उनमें डिग्रीज में फर्क आ जाता है. हाँ, तो फिर आप अलग अलग वेरिएंट्स बनाएंगे उसमें. मेजॉरिटी जो साइकिल्स हैं जो इंडिया में बन रही है स्पेशली, जैसे अगर किसी ब्रांड की साइकिल है तो वो कंसिस्टेंट फ्रेम में है. नहीं जैसे एमटीबी होगी या हाइब्रिड बाइक होगी उतना एडजस्ट करने की प्ले है एक सर्टन पॉइंट तक. बट कई जैसे और आती है ना बिल्कुल ट्रायंगल नहीं होता कुछ, एक अलग ही डिजाइन चाइनीज आजकल बहुत हुआ है उसमें नहीं. अच्छा ठीक है, मेरा डिसीजन बन गया है. मैं 100 आवर्स का कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर आप बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ एंड आई होप आप 8 करोड़ लोगों तक ये पहुँचा पाए. मैं आ जाऊँगी. अमन और पीयूष जैसे लोगों के पास और इवन अनुपम, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं लेकिन तीनों को आप याद आए. तो यू आर अ मार्केटिंग गुरु राइट, यू डेयर टू ड्रीम, मतलब आप कुछ अलग करने का सोच रहे, तो हैट्स ऑफ टू यू. मैं आपको थोड़े नेटवर्क्स दे सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ ईवी स्पेस में, यू नो पूना इज ईवी हब, लेकिन 100 घंटे मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है. बट आई विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट फॉर दैट रीजन. मेरा एक सवाल है, आपने अभी तक इसको लॉन्च क्यों नहीं किया किसी भी लेवल पे? जब तक मेरी हिसाब से मेरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी. कब कंप्लीट होगी आपकी ये? मेरे को उम्मीद है सर कि आने वाले अप्रैल तक ये हो जाना चाहिए. क्या बचा है टेस्टिंग में? टेस्टिंग के अंदर नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं. सो जो रूरल मैं बेल्ट पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ बड़ा मुश्किल है, वहाँ से रिटर्न्स हम ले नहीं सकते. उन लोगों की उतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो रिटर्न्स ले लें, कस्टमर केयर कर लें या कुछ ऐसा. अब ये तो एक यू नो बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट मेरी तसल्ली हो जाए कि अब मेरी तरफ से तो हो गया है. अभी नंबर ऑफ किलोमीटर्स वो अभी तक हमने 18,000 किए हैं, विच इज आई थिंक अगर ये 40,000 तक आ जाए आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट. गुस्सा पहली प्रोटोटाइप कब बनी थी यार? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे. हाँ. यहाँ पे एटलीस्ट मे बी आई एम मिसिंग समथिंग राइट, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात है. लेकिन पहला टाइम ये खत्म हुआ फेब में. हां पहला प्रोटोटाइप आया तभी वीडियो आया. अच्छा, और अब हो गए हैं ये बात को 8-9 महीने राइट. ठीक है, तो उस टाइम से अब तक आप इसको 40,000 किलोमीटर नहीं चलवा पाए? कुछ कहानी बैठ नहीं रही है. देयर इज अ मिसिंग पीस टू द पजल, व्हाट इज इट, प्लीज एक्सप्लेन. सर टेस्टिंग का प्रोसीजर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो बड़ा समझाना एक चैलेंज है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अब हम बैटरीज अपनी आप जानते ही हैं, लिथियम आयन चाइना से आ रहा है, हम सेल लेते हैं अपने बैटरी पैक बनाते हैं. एक हमें स्पेक्शीट आती है सेल्स के साथ कि इसकी इतनी लाइफ है, उसकी 3,000 साइकिल का कोई क्लेम करता है. अब तरीका ये है कि मैं उसको 3,000 बार चेक करके जस्ट टू मेक श्योर कि ये वो है कि नहीं, जिसके बेसिस पे मैं वारंटी दूँ, जिसके बेसिस पे मैं प्राइस रखूँ, जिसके बेसिस पे मैं इस वेंडर को फाइनल करूँ. एक बार बैटरी चार्ज करने में 3 घंटे लगते हैं, डिस्चार्ज करने में 2 घंटे लगते हैं. हाँ जी. अब सर बताइए मैं कैसे उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करूं, 15,000 घंटे को मैं कैसे 14,000 करूं? ये करके ही श्योरिटी आएगी. पर आपने जब आपके पास इतना इंटरेस्ट आया तो आपने क्यों नहीं लिया वो इंटरेस्ट? तब अगर आप कुछ पैसे लेते, कोई टीम बनाते, तो अभी जो आप इम्पैक्ट लाना चाहते हैं आपको नहीं लगता वो इम्पैक्ट में आप आगे होते? आगे होता राइट, होता. तो आप क्या कहेंगे वो आपसे गलती हुई? वो गलती है बिकॉज शुरू के जो 6 महीने की डिस्ट्रैक्शन थी, बहुत जगह से ऑफर्स एंड ये एंड मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था. आप ओवरवेल्म हो गए थोड़े? ओवरवेल्म हो गए तो यस. चलिए ठीक है, वो बात अगर आपकी मान भी ली, एक मुद्दे की बात करते हैं. Who is going to finance this till March? Because sir, if somebody can do it, then things will be better. If not, I'll keep doing it. No, I'm not. This is Shark Tank. You're supposed to come and ask for money. आपने कहा 100 घंटे चाहिए, हमने थोड़ी कहा. Right. अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पैसे भी मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, तो कहीं पे मुझे लग रहा है कि कहानी ज्यादा बन रही है और पूरी सच बात नहीं आ रही. Over what period do you need 100 hours? I think sir for 1 year, अगर आप 1 हफ्ते के 2 घंटे मेरे को ईमेल या कुछ भी, मेरी कोई क्वेरी होगी, मेरे को D2C में कुछ पूछना है, मेरे को गाइडेंस चाहिए जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. चलिए आपको मैं एक ऑफर करता हूँ, क्योंकि आपने बात की, एक बात आपकी याद रह गई, बाकी सब मैंने एक बार बुला दी, कि आदमी जितनी दूर तक जाएगा उतनी सफलता पाएगा.
ठीक है, अगर आदमी हिल ही नहीं पाएगा तो वो क्या कर पाएगा जरा? और ये बहुत गहरी बात कह दी आपने, और हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो दूर तक जा सकते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया रेज कर पाते हैं तो मैं आपको देता हूं 100 घंटे फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क फॉर 0.5%, बट इट्स कंडीशनल ऑन यू रेजिंग दैट 1 करोड़, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। सर, यू आर पुशिंग मी इनटू टेरिटरी। आई एम नॉट पुशिंग यू इनटू एनी टेरिटरी, यू आर पुशिंग योरसेल्फ इनटू अ टेरिटरी। आपने घंटे मांगे, मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा ये अनुमान है आपको पैसे भी लगेंगे, और ये सबक आपको खुद ही सीखना। देखो यार, मेरे को क्या लगता है ना, यू डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। एब्सोल्युटली। पर आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आता है, एंड अभी आप किसी भी तरीके से इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपको एक फोबिया भी हो गया है कि जैसे ही मैं इसको कमर्शलाइज करूंगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। Yes. आप अभी हिसार में ही काम करते हैं? नहीं, दिल्ली में। आप गुड़गांव मूव होने के लिए रेडी हैं? नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम। मेरी अभी एक फैक्ट्री बन रही है भिवाड़ी में, बन गई है, उसमें हमारे पास 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक फ्लोर खाली है, ठीक है। हम आपको वहाँ पे जगह देंगे, कोई रेंट नहीं लेंगे आपसे। उस फैक्ट्री में इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग के टैलेंट, टॉप बिजनेस टैलेंट काम कर रहे हैं, वो आपके साथ काम करेंगे अगले 1 साल 1.5 साल। आप काम करिए वहां पे, एंड जिस दिन आप रेडी हो जाएंगे ना, उसका जो फर्स्ट चेक है आपका, एक कंडीशन है, जो पहला पैसा डालेंगे वो मैं और अमन डालेंगे। नॉट ओनली दैट, वी विल हेल्प यू मेक द, अगर प्रोडक्ट रेडी होगा तो आपको, जो आप कह रहे हो आपको बाकी चीजों में प्रॉब्लम होगी, तो आपको लोग देंगे जो आपका बिजनेस प्लान बनाएंगे, जो आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, ताकि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन आपको खाली एक ही कंडीशन है मेरी, आपको सुनना पड़ेगा। एंड आई विजिट दैट फैक्ट्री, मे बी मैं कहूंगा लेट से हफ्ते में एक बार, तो मैं आऊंगा आपसे ही मिलूंगा, रिव्यू लूंगा, टीम से लूंगा क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ 1 घंटा बैठ जाऊंगा, कभी आधा घंटा ही बैठ जाऊंगा, ऐसे कोई मीटर नहीं लगाऊंगा। सी, ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स तो 100 घंटे हो जाएंगे, मतलब चलो, that's awesome, they'll help you a lot. Anupam, are you out? हाँ नहीं, अगर ये offer तो करे पहले। I would like to hear what you have to say, because आपके साथ मेरे का था बीन, and I'm not, please don't misunderstand me on this. No, बिल्कुल नहीं यार। आपके साथ लगा कि compatibility है, जैसे लहजे से आप बात करते हैं, किसी के offer आप कभी नहीं भी लेते। हाँ जी। The way you talk, the way it is, I felt personally, शायद आपके साथ हो सकता है मैं एक सवाल 2-3-4 बार भी पूछूं, इफ वी आर ऑन द सेम पेज, आप यू विल नॉट लूज योर कूल एंड अकोमोडेट अ गाय लाइक मी, ऐसा मुझे लगा। एब्सोल्युटली, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है राइट, तो आप कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? तो मुझे तो लग रहा है कि अगर आप पैसे नहीं अंदाजा लगा सकते, देन यू शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर। राइट, आपको हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमन का ऑफर क्या है? चलो यार, आप दे देना हमें 0.5% इक्विटी दे देना, यू गेट टू अ स्टेज, हम आपका बिजनेस प्लान बनवाएंगे, साथ में मुंजाल सर को लाना, उनको भी ले आएंगे, वो हम कर देंगे। अब तो हो गया, आई थिंक अगर अमन एंड पीयूष आर देयर, दे कैन हेल्प मी डू द थिंग्स जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 1 करोड़ रेस करना मैं कमिट करता हूँ। आपकी भी बात मानता हूँ, इनकी भी बात मानता हूँ। आप 1 करोड़ बोलते हैं सर, मैं 1.5 करोड़ रेस करता हूँ। चुप करिए यार, करो और क्या। फ्रेंकली आई एम अ लिटिल फ्लैबरगास्टेड। चेक देने की जरूरत नहीं है, जाके छप्पी दे दो। पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया में। बहुत सब रूल बदल रहे हैं। Yeah, we are here to help you. Thank you so much. Kuch karoge yaar.